मैंने कहा था कि पारिवारिक रिश्ते मधुर हों, हम सभी जो मनुष्य हैं सामाजिक प्राणी हैं। एक होता है समाज और दूसरा होता है समझ। समाज शास्त्रियों ने ये विभेद किया है। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं और मानवेतर प्राणियों के समूह को, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं समूह तो उसमें भी है, लेकिन उसे समाज नहीं कहते हैं, समझ कहते हैं। अब इसकी मैं बहुत व्याख्या नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो सुना वो बताया। उसमें भी होता है कौओं का अपना समूह होता है, तोतों का अपना समूह होता है, लाल चींटों का अपना होता है, काले चींटों का अपना होता है, हाथियों का, हिरण का, सबका होता है, लेकिन अन्य पशु पक्षी का उद्देश्य दो ही है जीने का, उदर पोषण और प्रजनन। सुबह से शाम तक किसी भांति पेट भर लेने के लिए मेहनत करते हैं और प्रजनन के लिए, संतति विकास, अपने ही समान प्राणियों को जन्म देना। मनुष्य भी करता है, उसका भी वो भी उदर पोषण करता है, वह भी प्रजनन करता है, लेकिन मनुष्य थोड़ा आगे है। आगे क्या है, वह अपने जीवन को संवार सकता है, सुधार सकता है और गहरी शांति का अनुभव कर सकता है। विकास पथ पे है, विकास पथ पे। इसलिए मनुष्य कुछ अलग है। हम सभी मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कहाँ जाएंगे मनुष्यों को छोड़कर। संत जन माने हुए परिवार को छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ समाज बन जाता है। साधु आश्रम में रहें तो भी संत हैं, समाज है। भ्रमण करेंगे तो भी साथियों के साथ, समाज के साथ में, चाहे वो साधु समाज के साथ रहें, भक्त समाज के, मनुष्यों का समूह है। और जब मनुष्यों का समूह होता है वहाँ पर वैचारिक भिन्नता होती है, विचारों का अंतर आता है। एक ही बात को लेकर कहेंगे तो किसी का भिन्न विचार, किसी का भिन्न विचार, किसी का भिन्न विचार, और जहाँ विचारों की भिन्नता होती है वहाँ पर टकराने की संभावना रहती है, विवाद की संभावना रहती है। लेकिन समझदार लोगों का काम है कि वह टकराव से बचें, समझदारी दिखाएं। आप सभी जानते हैं, पहले, आजकल तो बर्तनों का ढंग बदल गया है, पहले फूल और कांसे के बर्तन होते थे। जानते हैं आप लोग भी, जब हम इसी क्षेत्र में भ्रमण करने आते, कितने बड़े बड़े फूल के बर्तन होते थे, और जब आपस में वो टकराते थे तो फिर आवाज़ होती थी, एक झंझनाहट की आवाज़ होती थी। कहते थे ना भैया, चार बर्तन जहाँ होंगे वहाँ आवाज़ होगी। लेकिन जब आवाज़ हो जाती थी टकरा करके, तब क्या करते थे, उस बर्तन को थोड़ा सा ऐसा छू लेते थे, सही अनुभव होगा सबको, तो उसकी आवाज़ वहाँ पर थम जाती थी। ऐसे ही हम सब बर्तन की तरह हैं, पता नहीं कब किसके साथ टकराएं और झंझनाने लग जाएं। झंझनाते हैं ना, सबको तो अनुभव है झंझनाने का, बस एकदम कुछ ना कुछ, या तो भुनभुनाएंगे या फिर झंझनाएंगे, यही होता है। तो जो समझदार होता है, या कहना चाहिए जो घर का मुखिया होता है, वह सबको शांत करता है। लेकिन दूसरों को शांत करने के पहले स्वयं को शांत होना पड़ता है। सामने वाला उद्वेगित है, आप भी उद्वेगित हो गए, कैसे होगा। गरम लोहा को काटने के लिए ठंडा लोहा होता है, गरम लोहा को गरम लोहा नहीं काटता है। सामने वाला गरम है, आप भी गरम हो गए, नहीं बनेगा, क्या होना पड़ेगा, ठंडा, शीतल। ये जीवन में बदलाव लाता है। तो पारिवारिक जीवन में क्या करना है, आपस के संबंधों में मधुरता लानी है,
गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है, वर वधु की शादी होती है और वहीं से गृहस्थी की शुरुआत होती है। और गुरुदेव जी यह भी कहा करते थे कि जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, तीन पीढ़ी का लाभ होता है, और जब दोनों लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, तो तीन पीढ़ी का नुकसान होता है। तीन पीढ़ी कैसे? जिस घर में पति और पत्नी लड़ेंगे, उस घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनकी सेवा नहीं होगी, उनका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि जो सेवा कर सकते हैं वे तो लड़ रहे हैं, ये नुकसान। और दूसरी पीढ़ी स्वयं है, जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। जहाँ संघर्ष होगा वहाँ विकास नहीं होगा। विकास कहाँ होता है? आपस के प्रेम में। ये पंक्ति सुने होंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्ति है फिर जहाँ कुमति है। सुमति, सुमने सुंदरमति, आपस में सुंदरमति, वहाँ टकराव नहीं, लड़ेंगे नहीं। और जहाँ पर टकराव है वहाँ विकास कैसे होगा? नहीं हो सकता है। और तीसरी पीढ़ी है जो दोनों से भी महत्वपूर्ण है, वह तीसरी पीढ़ी है बच्चे। जब पति पत्नी लड़ते हैं और बच्चे देखते हैं माता पिता को लड़ते हुए, तो सबसे बड़ी जो उनके लिए समस्या खड़ी होती है, जानते हैं क्या है? वे बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि संरक्षण देने वाले तो माता पिता हैं और दोनों लड़ रहे हैं, तो बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और उनकी समस्या और भी क्या होती है, जब दोनों को लड़ते देखते हैं, माता और पिता दोनों लड़ते हैं, तो बच्चों के मन में होता है, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें, किसका साथ दें? और इस संघर्ष में, इस दबाव में उनका मानसिक विकास, उनका बौद्धिक विकास, उनका शारीरिक विकास थम जाता है। आप बच्चों को सही संस्कार देने के लिए, देखिए, केवल आप बच्चा पैदा कर दिए और जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं कई बार कहा करता हूँ कि केवल बच्चा पैदा कर देने मात्र से आप माँ नहीं बन गई, और बच्चा पैदा कर दिए तो आप पिता नहीं बन गए। जैसे हम लोग किसी को दीक्षा दे दिए, इतने मात्र से गुरु नहीं हो गए, गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, पितृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। क्या उस मातृत्व का की योग्यता है? क्या यह एबिलिटी है, योग्यता है कि आप माँ की जो रोल है, माँ की जो पार्ट है, माँ का जो अभिनय है, उसको सही ढंग से निभा पाएं? बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है। आप कहेंगे आज तक तो नहीं देखे हैं। नहीं देखेंगे ना, आज बताता हूं मैं। उनके माथे पर एक वाक्य लिखा रहता है, बच्चा के माथे पर क्या लिखा रहता है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। आप ऐसा नहीं कि वहां कोई लिख के आता है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक लोगों का कहना है जो उस संबंध में रिसर्च करते हैं, और बच्चों के पालन पोषण कैसे करें इस विषय पर तो मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, कई लोगों को सुना, पेरेंटिंग के विषय में सुना, और सचमुच कैसे गलत होता है। तो कैसे सिखाते हैं बच्चों को? बच्चे के लिखा क्या माथे पर? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिखाओ। कैसे सिखाते हैं? आपका सिखाने का ढंग डांट डपट की भाषा है या प्रेम की है? और कई बार तो माता पिता बच्चों की पिटाई भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है,
कभी कभी कोई युवती गोद में बच्चा लेकर के आती है, तो मैं कहता हूँ ये जो बच्चा है ना गोद में, ये आपका टीचर है। क्यों टीचर है? यही तो पढ़ाएगा आपको। आपके भीतर जो बेस्ट छिपा है उसको निकालेगा ये। क्यों? ये रोएगा, ये चिल्लाएगा, ये प्रश्न करेगा, और कई बार तो हैरान कर देने वाला काम करेगा ये। आप ऊब जाएंगे, और उस समय धैर्य की आवश्यकता है। क्या आप उस समय धैर्य को निकालते हैं कि क्रोध को निकालते हैं? आपके भीतर जो बेस्ट है उसको निकालना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। उस समय वो झल्लाएंगे, झुंझुनाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, चिल्लाएंगे। नहीं, आप ऐसा ना करें। बच्चों को सही संस्कार दें, ये आप ध्यान दीजिए। सही उसको एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप करें, वो अच्छा इंसान बने। कहा जाता है बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तरदाता ने क्या कहा? बच्चे के जन्म से 20 साल पहले। अरे जब बच्चा ही जन्म नहीं लिया है तो उसकी शिक्षा कैसे प्रारंभ की जाए? उत्तर देने वाले ने कहा, जो युवक युवती जैसा बच्चा चाहते हैं वैसी तैयारी 20 साल पहले से करना शुरू कर दें। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसे ही बनेगी। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? इसलिए आवश्यक है कि आप उन्हें प्रशिक्षित करें। संस्कार वहीं से, कहाँ से संस्कार देना शुरू होगा? अच्छा ना भी मानो 20 साल पहले से, इतना तो मानेंगे ना कि गर्भ से संस्कार दिया जाता है उनको। इसलिए कहते हैं कि जो गर्भवती महिला हैं वे घर में भी महापुरुषों के चित्रों को रखें, अच्छे विचार सुने, कथा भागवत सुने, सुनते कहते हैं संत महात्माओं के विचारों को सुने, और स्वयं उपासना में धर्म के काम में लगा रहे, लगी रहे। क्योंकि वो जो बच्चा, देखिए माँ का भोजन करना बच्चे का भोजन करना है, माँ का पानी पीना बच्चे का पानी पीना है, माँ का सांस लेना बच्चे के लिए सांस लेना है, और माँ का सोचना बच्चे के लिए सोचना है। यदि माँ के मन में गलत विचार आ रहे हों, उनके शब्द गलत निकल रहे हों, तो वहाँ संस्कार कैसे जाएगा? ये बहुत पुरानी जो कथानक कहानी सुने हुएंगे हम लोग सभी जानते हैं कि अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उसकी माँ को तकलीफ थी, तो अर्जुन उनको कुछ सुनाने लगे, और कहा जाता है चक्रव्यूह भेदने के बारे में वो सुनाने लगे। छह चक्रव्यूह के बारे में बता पाए, सातवें पर नींद आ गई। और आप हम सभी जानते हैं कि वह छह चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था, सातवां को नहीं जानता था। अब ये कहानी भले हो, काल्पनिक कहानी हो भले, लेकिन लेखक का संदेश यही है कि जो आप करेंगे वो बच्चों के अंदर जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि एक नए इंसान को आप पाल रहे हैं, उसको बाहर लाना है, और जब बाहर आए उसको संस्कार दें, सही संस्कार। अर्थात आप कहते हैं कि किसी बच्चे को उपहार न दो, किसी बच्चे को उपहार न दो तो कुछ घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार न दो तब जीवन भर रोएगा, जीवन भर। उसे आप कार मत दो भले, लेकिन संस्कार तो दो। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी, क्योंकि माँ है, कहते हैं ना इंसान वह है जो माँ बनाती है। क्योंकि कोई भी बच्चा होगा ना वो माँ के पास ज़्यादा रहेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। 9 महीने गर्भ में पला, बाहर आया, वो गोदी में ज़्यादा रहा, उनके साथ सोया जागा, दूध पिया, पला बढ़ा, हर चीज़ में तो वही संस्कार दे। पिता के भी प्रभाव है, ऐसा नहीं कि पिता कोई अलग है, लेकिन ज़्यादातर वक्त बच्चा होता है माँ के पास में। और इसीलिए नीति में बात आई है, कहीं यदि बेटा बच्चा घर से बाहर हो और घर वापस आए तो
यदि कहीं माता पिता एक साथ बैठे हों तो पहले माँ का प्रणाम करें फिर पिता का। ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि पहले प्रकृति फिर पुरुष, इसीलिए सीताराम या राधा कृष्ण प्रथम, पहले माँ, इसलिए कहते हैं माता पिता, माँ का दर्जा बहुत आगे है। इसलिए जब दर्जा आगे दायित्व भी बहुत है, फिर ये जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को सही संस्कार दें, वो गलत खान पान न सीखे, गलत बोलना न सीखे, ये तो ध्यान ही रखने की ज़रूरत है। कई बार मैं ये भी पूछा करता हूँ कि आप लोग घर में फ्रिज क्यों रखते हैं? अच्छा बताओ, घर में फ्रिज क्यों रखते हैं? क्या कहेंगे? फ्रिज इसलिए रखते हैं कि सामान खराब न हो, इसके लिए ही तो ना, सामान खराब ना हो इसके लिए फ्रिज रखते हैं। अच्छा बच्चे खराब ना हो इसके लिए कौन सी मशीन रखे हैं? कुछ नहीं है, सही है ना, कुछ नहीं है। चिंता करो इस चीज की, बच्चों को सही, उनका बोलने का बताओ ना हर समय। आखिर बच्चे जन्म से नहीं सीखते, आपसे झूठ बोलना कहाँ से सीखे, गाली देना कहाँ से सीखे, गलत खाना पीना कहाँ से सीखे, धोखा देना कहाँ से सीखे, सब यही सीखते हैं। आप ही यदि गलत खान पान करते रहे, आपके ही शब्द में कटुता होगी, आप ही यदि गलत शब्दों का उच्चारण करेंगे, बच्चे भी सीख जाएंगे। नहीं, वो एक अच्छे इंसान के रूप में बनाओ। और बच्चों का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? सेविंग अकाउंट, बचत खाता, जो आप जमा करते जाते हैं उसे आप विड्रॉल करते हैं। बच्चों के अंदर क्या जमा कर रहे हैं? क्या उनके अंदर विनम्रता आप डिपॉजिट कर रहे हैं, धैर्य डिपॉजिट कर रहे हैं, सहनशीलता डिपॉजिट कर रहे हैं, क्षमा करने की शक्ति, क्षमा मांग लेने की शक्ति, अपनी गलतियों को स्वीकारने की शक्ति, सहयोग का भाव, सेवा का भाव, क्या ये संस्कार आप जमा कर रहे हैं? और जमा केवल उपदेश से नहीं होगा, आप ध्यान दीजिए। आप कहेंगे मैं उनको बोल बोल के कर दूंगा, कौन सुनता है साहब? उसको आदर्श दिखाना पड़ता है, वैसा जी के दिखाना पड़ता है। कई बार ये बात आती है, जब कई लोग जब आते हैं उनके माता पिता बच्चों को लेकर के, तो कहें चलो साहब की बंदगी करो, और जो नहीं करते तो उनके गर्दन को पकड़ के झुका देते हैं। अरे काहे परेशान करते साहब, अभी तो सीखेंगे। उनके हाथ में कई बार फूल देंगे, कई बार पैसा देंगे, अरे छोड़ो, अरे साहब अभी से देना सिखाना है। लेकिन इसके दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं। एक पिता अपने छोटा बच्चा को लेकर आया और अपना खड़ा था, और बच्चे से कहता साहब की बंदगी करो, प्रणाम करो साहब को। तीन बार चार बार कहा, बच्चा झुका ही नहीं। तो संत ने क्या कहा, पहले जनाब आप पहले झुकिए, फिर बच्चा देख के झुक जाएगा, आप तो पहले प्रणाम करिए। आपको देखेंगे तब ना करेगा वो। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को सही संस्कार देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो तो अब इस पर तो ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात यह है कि स्वयं परिवार के लोग संबंध कैसे मधुर बनते हैं। देखिए, ये ईंटों को जोड़ने के लिए गारा होता है, दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, गारा ईंटों के बीच में गारा डालते हैं। क्या, किसका? सीमेंट और बालू का। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ के रखने वाला कोई गारा है, वह क्या है? प्रेम और विश्वास, प्रेम और विश्वास का गारा। ईंट सीमेंट जब कमज़ोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है, ऐसे ही प्रेम जब कमज़ोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं, अलग अलग होने लग जाते हैं। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया अलग रह जाऊंगा, अलग होऊंगा मैं तो क्या भोजन नहीं मिल रहा है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, प्रेम कमज़ोर हो गया है। कैसे पता चले प्रेम कमज़ोर हो गया है, कैसे पता चले? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, बीच में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, आप ध्यान दे जो मैंने एक दिन कहा था ना, शिक्षा क्यों, स्कूल की पढ़ाई क्यों करते हैं, ये पता ही नहीं है लोगों को, बस पढ़े जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे पढ़ेंगे ज्ञान पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, यही सब तो बातें होती। बहुत सारे बच्चों का उद्देश्य क्या है, पढ़ लिख करके हम बड़ी सी नौकरी पा जाएंगे।
कभी कभी मैं कहता हूँ इसका मतलब है पढ़ लिख करके पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हैं, कुछ और चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या यही है पैसा कमाना ही उद्देश्य है? तो क्या मैं ये भी कह रहा हूँ कि पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए? हो, तो शिक्षा का उद्देश्य जरूर है ये रोजी रोटी कमाना सिखाए, लेकिन शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य भी है, वह है हमें जीने का ढंग सिखाए। जीने का ढंग नहीं सिखाया जाता है, रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम स्कूल और कॉलेज में जाके पा तो जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कौन सिखाएगा? और आप जीने का ढंग नहीं सीखेंगे तो केवल धन आपको सुख नहीं देगा, मकान सुख नहीं देगा। सही समझ चाहिए, सद्गुणों का विकास करना सीखें आप जीवन में, और ये सद्गुण नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इसके बिना तो आप नीरस जीवन जिएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आपस का प्रेम, ये कैसे पता चले कि प्रेम कम हो गया है, कैसे पता चले? देखिए साहब, जीवन इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है, हम पढ़ना जाने तो जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है, समझ लेना प्रेम कम पड़ गया है। प्रेम उसी प्रकार से है जैसे पौधा, पौधे को सींचते जाओ तो हरा भरा रहता है, और पौधे को सींचना बंद कर दो तो क्या होता है? मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। ऐसे ही प्रेम को भी सींचना पड़ता है। आप जिस दिन प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं, प्रेम भी मुरझाने लगता है, कुम्हलाने लगता है, और मुरझाने का यही प्रमाण है कि आपस की हंसी चली जाती है, आपस में बातचीत कम हो जाती है, वार्ता का विषय ही खत्म हो जाता है। और जब हंस हंस के बातें करते हैं, पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, सास बहू, ये सब बैठेंगे और हंस हंस के बातें करेंगे, देर तक बातें करेंगे, समझ लो वहां पर प्रेम की धारा बह रही है। नहीं तो क्या होगा? आएंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाएगी, हाँ कहाँ, कैसे, क्या हुआ, बस उसके बाद अपने अपने कमरे में अंडरग्राउंड, कोई वार्ता नहीं। समझ लो वहां पर प्रेम सूख रहा है, वहां प्रेम की पुनर्स्थापना की जरूरत है, सींचने की जरूरत है। और प्रेम सींचने का क्या अर्थ है, किसे कहते हैं प्रेम सींचना, कैसे सींचें? प्रेम सींचने का अर्थ, प्रेम को सींचने का मतलब यह हुआ कि आपके द्वारा कुछ इस ढंग से काम हो, ऐसा व्यवहार हो कि सामने वाले को आप महसूस करा सकें कि उनकी उपस्थिति को आप पसंद करते हैं। थोड़ा और क्लियरिफाई करूं इस चीज को, अर्थात आप उनके साथ बैठ करके बातचीत करने का समय निकालते हैं, उनके काम में सहयोग देते हैं, उनको कुछ देते हैं, वस्तु के रूप में, किसी न किसी रूप में देते हैं, और उनके साथ जब कभी वादा करते हैं तो वादा को निभाते हैं, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। यही तो सींचना है, यही सींचना है। कभी जरूरत पड़े उनको सेवा और सहयोग की वो करते हैं, इसी को कहते हैं भावनात्मक। ये भी भैया अकाउंट की तरह है कि आप भावनाओं को उनको दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं वहां के, नहीं कर रहे हैं। यदि वो कम हो जाएगा, विश्वास का अकाउंट कम हो जाएगा, प्रेम का अकाउंट खाली हो जाएगा, तो फिर वहां जीना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। इसलिए लोगों को प्रेम दो, उनके प्रति विश्वास विश्वास करो, एक दूसरे की गलती को क्षमा करने की शक्ति बढ़ाओ। देखियो हम सब मनुष्य बैठे हैं, और मनुष्यों से गलती होने की संभावना रहती है, और हम में से कोई कह सकता है कि आज तक मेरे से कोई गलती नहीं हुई और आगे कभी गलती नहीं होगी, ऐसा तो नहीं कह सकते, गलती हो जाती है। अच्छा, गलती हो जाती तो हम चाहते क्या हैं?
यही चाहते हैं कि मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें, मेरी गलती दूसरों को न बताई जाए। सामने वाले से गलती हो गई, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी तो वही करना है, वो भी तो क्षमा चाहता होगा, हमें क्षमा करनी है। एक बात बताऊं मैं, यदि आप दूसरों की गलतियों को क्षमा करके बीज नहीं बोया है तो आपकी गलतियों पर आपको क्षमा मिलने वाली नहीं है। आपकी गलती पर, आप अपनी गलती पर तो क्षमा चाहते हैं और दूसरों की गलती पर उन्हें दंडित करना चाहते हैं, ये नियम नहीं है। पहले आप क्षमा करके आप बीज बो दीजिए, फिर आपके जीवन में कभी वो परिस्थिति आएगी तो आप उसकी फसल काटेंगे। आपने जमा ही नहीं किया है। आप प्रेम देकर के ही आप अपने जीवन में प्रेम पा सकते हैं, सहयोग देकर ही आप सहयोग पा सकते हैं, यही तो है नियम है। दूसरों के जीवन में आप जो बोते हैं, ये सूत्र याद रखना, दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। क्या बोते हैं दूसरों के जीवन में? जैसे आप खेत में जो बीज बोते हैं उसी के तो फसल काटते हैं। गेहूं का बीज बोएंगे, गेहूं की फसल काटेंगे। गन्ने का बीज बोएंगे, गन्ने की फसल काटेंगे। मक्का का बीज बोएंगे, मक्के की फसल काटेंगे। बस यही नियम है जीवन का, यही है, जो बो वो काटो। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? बबूल का बीज बोगे आम मिलेगा? काटा बो करके किसने फूल पाया है? यदि आप दूसरों के जीवन में क्रोध बोते हो, अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। ये पूजा पाठ से दूर होने वाला नहीं है। मैं कई बार हो गए कहती इस विषय को, क्या आप समझते हैं कि गलती करते चले जाएं और इधर पूजा पाठ को भी जारी रखें, मंत्र तंत्र को भी जपते रह जाएं? धोखे में जीवन न बिताओ, ये सब धोखा है। असली चीज क्या है? असली चीज है जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को रोको, अच्छे की ओर कदम बढ़ाओ। कबीर साहब जी ने पंक्ति कही है, जो कुछ करो सो पूजा, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरति न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, लंबा पद है अभी नहीं कहूँगा उसको, जो कुछ करो सो पूजा, मन इतना बढ़िया हो जाए कि सारे कर्म पूजा हो जाए। मुझे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। भोजन बनाना पूजा है, बर्तन मांजना पूजा है, झाड़ू लगाना पूजा है, कपड़ा धोना पूजा है, हल चलाना पूजा, कोई भी काम पूजा। क्यों? पवित्र मन से, सहयोग के भाव से कर रहे हैं। दुकान में बैठकर सौदा बेचना भी पूजा हो सकता है। कब? जब आपका भाव हो सामने वाला का भला हो। इसका मतलब नहीं कि आपको मुनाफा नहीं लेना है, लेकिन मुनाफा का एक स्तर है, एक मार्जिन है। लेकिन सामने वाले को धोखा देकर, सामने वाले को ठग करके आप लाभ कमाएंगे, कब तक लाभ कमाएंगे? नहीं पा सकते हैं। तो दुकान में भी आप पूजा का काम कर सकते हैं। एक ख्याल आया, एक बड़ा राजनेता, मंत्री, बहुत पहले की बात है, एक प्रसिद्ध संत राजस्थान में उनसे मिलने आए, दर्शन करने आए, जैन परंपरा के संत थे। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी है, उसमें बात आई कि उनसे मिलने आए तो उन्होंने आते ही कहा, महाराज जी क्या बताऊं, मेरा भी मन करता है मैं धर्म कर्म करूं, साधना भजन करूं, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं मिलता है। इतनी व्यस्तता रहती है कि मैं धर्म के लिए समय निकाल ही नहीं पाता हूं। संत ने कहा, मैं ऐसा धर्म बताऊंगा कि आपको अलग से समय निकालना ही नहीं पड़ेगा। कहीं महाराज जी बहुत अच्छी बात है, आप बताइए। फिर संत ने क्या कहा, देखिए आप तो हमारे देश के एक मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं किसी विभाग के, आपके पास में काम कराने के लिए बहुत सारे फाइल आते होंगे निपटाने के लिए, आप उन सारे फाइलों को ईमानदारी पूर्वक निपटाइए, आपका धर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
स्कूल में पढ़ाना धर्म हो सकता है आपका? कब? जब आप बच्चों के हित के लिए सोचते, केवल तनख्वाह के लिए। आजकल क्या बताऊं मैं, पढ़ाना समझ ही नहीं लोगों की, कैसे बताया जाए इस चीज को लेकर के। कई बार तो मेरा मन होता है कि कई बार मास्टर टीचर लोग मिलते तो मैं यही कहा करता हूँ इस चीज़ को, देखो भैया आप तो ये सौभाग्य समझो कि आप शिक्षा विभाग में बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगे हुए हैं आप, और दो ही तीन ही तो हैं जो ठीक हो जाए तो हमारा भविष्य देश का ठीक हो जाए। वो कौन कौन से? माता पिता और शिक्षक। ये तीन यदि सुधर गए तो हमारा देश ही सुधर जाएगा। शिक्षकों से कहता हूँ, आप केवल बच्चों का सिलेबस कंप्लीट मत कराइए, बस कोर्स ही कंप्लीट कराने में मशगूल न रहिए, वो तो करना ही है, लेकिन इसी बीच में जो टाइम मिलता है कभी 15 दिन, महीना दिन, सप्ताह में थोड़ा से 5-7 मिनट समय निकाल करके उन्हें जीवन का पाठ भी पढ़ाएं। केवल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले शिक्षकों को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन जो जीवन के पाठ पढ़ा, जीवन का पाठ पढ़ाते हैं ऐसे शिक्षकों को बच्चे जीवन भर याद रखते हैं। कितना जरूरी है इस चीज को। तो केवल आप नौकरी या तनख्वाह के लिए पढ़ाने जा रहे हैं तब आप सही नहीं पढ़ाएंगे। आपका उद्देश्य हो, मैं देश का भविष्य बनाने जा रहा हूं, इस बच्चे को मैं क्या अच्छा चीज बता सकूं कि ये एक सुंदर नागरिक बन जाए, ऐसा ये भाव जब जगेगा ना, ये पूजा है, ये पूजा है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम अपने जीवन में हम सही काम करने में मन लगाएं। तो बात यहाँ पर थी पारिवारिक। मैं ये कह रहा था गलतियाँ हम लोगों से होती है, और गलतियाँ होने पर क्षमा की अपेक्षा करते हैं, दूसरों की गलती हो हमें भी क्षमा करनी है। एक सूत्र अपना लो मन में, अपनी गलती हो जाए क्षमा मांग लें, दूसरे से गलती हो जाए क्षमा कर दें। संघर्ष होगा, और कभी कभी ऐसा भी अवसर आ सकता है गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांगना पड़ता है। मांग लो, मांग लो। गलती किसकी है इसकी व्याख्या में उलझो मत, क्षमा मांग लो, आगे बढ़ो। रिश्ते महत्वपूर्ण है कि गलती की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है? रिश्तों को वापस लाना है। टकराव करके आप रिश्तों में मधुरता नहीं ला सकते हैं। गम खाकर, शांत रह करके, क्षमा करके, क्षमा मांग करके, मौन रह करके, चुप रह करके ही आप रिश्तों को निभा सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे? जैसा कुत्ता ऐसा। कोई मतलब है जीने का? कभी जीने का ढंग ही नहीं सीखे। ये क्या है, कहते ना टिट फैर टैट, ये क्या मतलब? जैसे को तैसा करते रहे, आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कोई गाली दिया, आप भी गाली दिए, कौन समझदारी है? गाली देने वाला तो नासमझ है। आप तो समझदारी दिखाइए, आप तो गंभीरता दिखाइए, तभी तो जीवन में ठीक होगा। गाली का बदला गाली देने से जीवन नहीं बनेगा, लेकिन गाली के बदले में आप या तो चुप रहते हैं या फिर मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं, जीवन इससे बनता है, जीवन निर्माण इससे होता है। इसलिए सद्गुणों के विकास में जीवन लगाना है तो फिर हमें क्या करना है कि गलतियों पर क्षमा मांगना है, क्षमा करना है। देखिए विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर तो देर तक बातें कही जा सकती है, देर तक के, लेकिन समझना के लिए तो थोड़ा ही बहुत है, थोड़े ही बहुत है। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका ये मन होना चाहिए, हम आपस में प्रेम से रहेंगे, आपस में मधुरता का संबंध बनाएंगे, और इसके लिए आप तनातनी नहीं। कभी कभी होता क्या है कि आपस में किसी बात को लेकर टकरा ही गए, हो सकता है, होता है, कोई आश्चर्य नहीं है। आप केवल गृहस्थों की बात नहीं, साधु समाज में भी लोग टकराते और लड़ते झगड़ते रहते हैं, मर मुकदमा चलता रहता है। केवल कपड़ा पहनने से थोड़ी हो जाता है। मैं तो जानता हूँ ना साधु मार्ग की दशा क्या है, वहाँ भी घमासान युद्ध चलते रहता है, वाक युद्ध चलता है, द्वंद्व युद्ध चलता है, और कई बार मल्ल युद्ध भी शुरू हो जाता है।
कम नहीं है। बात यह है कि मानसिकता कैसी है। आप यदि अपने लड़ाई और संघर्ष से बचाना चाहेंगे तो वैसी परिस्थिति आप अपने आप को अलग करते चले जाएंगे। भावना होनी चाहिए, मुझे उलझन में नहीं जाना है, मुझे द्वंद्व में, मुझे संघर्ष में नहीं पड़ना है, मुझे विवाद में नहीं पड़ना है। अपने आप को बचाने लग जाएंगे, बचाने लग जाएंगे और आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि परिवार में रह करके एक दूसरे के साथ में सामंजस्य स्थापित करना है, एक दूसरे के साथ में शांत रहने के लिए। देखिए एक चीज और बता दूं साथ में, वह क्या है, एक होता है वस्तु और दूसरा है व्यक्ति। व्यक्ति से वस्तु, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है व्यक्ति। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जन धन धन नहीं है, जन धन है। आप लोग केवल मेरी बातों को सुने, क्या हो रहा है उसको मत देखें, चल रख दे, चल जाएगी वो, चल ही रही, आपका चलना है उसको, बैठो पहले ही जला के रख दिए, बैठ। अब आप कह रहे हो जल्दी बंद करो, सचमुच सही है। धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं क्यों, धन किसके लिए है, अपनों के लिए तो है, और धन के लिए आप अपनों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, कहाँ समझे इस चीज को। धन कोई वस्तु है, खराब हो गई, टूट गई, खरीद के ले आओगे, मनुष्यों को कहाँ से खरीद के लाओगे। इसलिए मनुष्यों को श्रेय दो, मनुष्यों को श्रेय दो, धन तो आता जाता रहेगा। इसलिए ये काम करना बहुत जरूरी है कि मनुष्य आपस में महत्वपूर्ण हैं, उनके साथ में सुंदर संबंध बनाएं, सुंदर व्यवहार करें, आपकी वाणी में कटुता ना हो, मधुरता आए, ये सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर के खान पान में भी संयम रखना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए समता का बर्ताव करना पड़ेगा, वस्तुओं का आदान प्रदान हो इसका भी ध्यान रखो इस चीज़ को। कई बार होता क्या है कि घर में बहुत कई सदस्य हैं तो घर के मुखिया में भी कई बार पक्षपात हो जाता है, नहीं, सबके साथ समता का व्यवहार हो। देखिए और इसके लिए आप किसी को कुछ अच्छी चीज़ दे दिए, कुछ कर दिए, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। इसलिए क्या करना है, हम सभी मनुष्य हैं, आपस में प्रेम से रहें। और मैंने प्रेम के लिए कहा कि हमें प्रेम सींचना पड़ता है, एक दूसरे के सहयोग का भाव हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव हो, सम्मान का भाव हो। प्रेम है क्या, बस अंतिम में एक वाक्य कहूँ, थोड़ी सी बात कह के मैं विराम दूँ। प्रेम वस्तुतः है क्या, अभी तक हम लोग जो कबीर साहब जी ने कहा है ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो क्या केवल किसी की रूप सौंदर्य को देख करके आकर्षित होना ही मात्र प्रेम है, और ये कहना है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या यही प्रेम है। इसी के लिए कबीर साहब ने संदेश दिया कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के बारे में जानते भी हैं कि यूं ही कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम कहते क्या है, कहते किसे हैं, प्रेम है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब क्या है, दूसरे का हित हो, जैसे पति चिंता कर रहा है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। क्या कर रहा है, पत्नी के हित की चिंता, और यही पत्नी भी कर रही है, मैं ऐसा कौन सा बदलाव करूं, कौन सा व्यवहार करूं जिससे मेरे पति अधिक से अधिक प्रसन्न रहें और अधिक से अधिक उन्हें आराम मिल सके, हित की चिंता। यही पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए, माँ और इसी प्रकार सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, भाई भाई के लिए, दूसरे के हित की चिंता, यही प्रेम है। और यदि आप कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा मिले, मुझे अच्छी चीज मिले, मेरा सम्मान हो, बाकी लोगों को मुझे सोचना नहीं है, वही गड़बड़ होगा।
आप दूसरे की हित की चिंता करने लगेंगे, आपका हित अपने आप हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप दूसरे के लिए भला चाहें, दूसरों का भला करें और आपका भला ना हो, ये होता ही नहीं है, नियम ही नहीं है। इसलिए ये प्रेम है दूसरों के हित की चिंता कि घर वाले सुखी रहें, साथी सुखी रहें, ऐसा मुझे करना है, दूसरों को कष्ट न हो मेरे द्वारा किसी प्रकार से, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो मैंने कुछ बातें कही कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, परिवार का जीवन जीते हैं, समाज में रहते हैं, और जब मनुष्यों के समूह में ही ये सब हो पाता है और मनुष्यों में वैचारिक भिन्नता हो सकती है, किसी बात को लेकर के टकराव भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, हमारे शब्दों में हम ध्यान रख सकें, हमारे व्यवहार में थोड़ा ध्यान रख सकें, हमारे विचारों में थोड़ा ध्यान रख सकें, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, मैत्री का भाव हो, क्षमा और गम का व्यवहार हो, तो निश्चित रूप से आपस में हमारे रिश्ते मधुर होंगे। और जब रिश्तों में मधुरता आती है और ऐसी स्थिति में जब घर का वातावरण बहुत सामंजस्यपूर्ण होता है, प्रेम पूर्ण होता है, तब आत्मा और परमात्मा का बीज बोया भी जा सकता है, तब अध्यात्म का बीज बोया भी जा सकता है। ऊसर जमीन में बीज बोने से क्या होगा, जैसे अभी जमीन बैठे हैं, यहाँ पर बीज डाल दो, उगेगा? उसके पहले जोतना पड़ता है, जमीन को कमाना पड़ता है, सींचना पड़ता है। ऐसे ही अपने जीवन को, अंतस को पहले सींचें, तब जाकर के अध्यात्म का बीज, तब आध्यात्मिक फसल लहलाएगी और जीवन सुख शांति से भर जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है। श्री अच्छेलाल जी के कई बार संदेश गया, आश्रम में भी गए, और क्या नाम, सरोज जी, रुको भला, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बैठो। मतलब कामे मन है कि क्या हो रहा है, कोई संदेश नहीं पहुंच रहा है। हो क्या रहा था कि मैं कह रहा था कि पहली बात है कि पहले भी चर्चा हुई थी कि यहाँ आने के लिए चर्चा हुई थी, लेकिन एक तो कोरोना काल के चलते भी किसी कार्यक्रम उस समय कैंसिल हो गया था। इस समय नया मकान बनाए और उसमें गृह प्रवेश भी हो गया, पूजा भी हो गई और सत्संग का भी आयोजन हो गया। हमें मकान की जैसे रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की भी ज़रूरत पड़ती है। और मकान बना तो मकान किसके लिए है, विश्राम के लिए। मकान किसके लिए है, जीवन हमारे शरीर के पोषण मिले, विश्राम मिले, ताकि अगले दिन के लिए हम फिर से ऊर्जान्वित हो सकें, लेकिन आपस में परिवार के साथ में प्रेम से रह सकें, इसके लिए मकान की ज़रूरत होती है। और आपने एक सुंदर सा मकान बनाया, संतों का निवास हुआ, और भक्ति मार्ग में जिस प्रकार लगे हैं, अपने बाल बच्चों को भी लगाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय होगा। सभी श्रोताओं के प्रति मन में शुभकामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी बोलिए। सद्गुरुदेव की जय।